नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में दो बाइक चोरों को गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ही चोर आदित्यपुर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनका नाम दुर्गा महतो और प्रदीप महतो है। विगत कई दिनों से ये दोनों ही लगातार बाइक की चोरी एमजीएम अस्पताल के पार्किंग से कर रहे थे और अस्पताल में मौजूद गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने सीसीटीवी फुटेज से इन दोनों की पहचान कर रखी थी। और आज जब ये दोनों फिर से चोरी की मकसद से अस्पताल पहुंचे तो जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद साक्षी थाना को इसकी सूचना दी गई। साक्षी थाना पुलिस ने दोनों ही चोरों को अपने गिरफ्त में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार एमजीएम के बाहर पार्किंग से गाड़ी चोरी हो रही थी। 4 तारीख को भी चोरी हुआ, 4 जून को। तो 4 तारीख का फुटेज देखने के बाद हम लोग वॉच कर रहे थे। आज 6 तारीख को जब पीछे पार्किंग गेट चेक करने के लिए, तो सेम आदमी पार्किंग में था जो 4 तारीख को गाड़ी चोरी किया था, पकड़ के ले आए यहाँ पर और उसको थाना को सपोर्ट कर दिया। चोरी करने ही आया था ना वो, जब 4 तारीख आएगा 1 जून को, 4 जून को, 5 जून को। लेकिन 4 जून का एक फुटेज मिस कर है, चल रहा है। एक का दुर्गा महतो और एक का प्रदीप महतो। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री के केबल गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेजी से बढ़ गई। लोगों ने आनन फानन में दमकल को बुलाया, जहां काफी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक केबल तार और वहां रखी अन्य चीजें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। आग लगने से वहां लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो की कहकशा परवीन ने कर दिखाया है बड़ा कारनामा। नीट की परीक्षा में 720 में 720 अंक हासिल कर पूरे भारत में शहर का नाम रोशन किया है। 24 लाख एस्पायरेंट्स, 48,000 सरकारी सीट और उसमें रैंक 1 हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस कारनामे को कर दिखाया है जमशेदपुर के मानगो बगानशाही की रहने वाली फल विक्रेता मोहम्मद अब्बास और इब्राना बानो की छोटी बेटी कहकशा परवीन ने। कहकशा उर्फ मुस्कान ने अपनी शुरुआती तालीम गोविंद विद्यालय तमोलिया से हासिल की। उसके बाद उन्होंने 12वीं की परीक्षा डीएवी बिष्टोपुर से और फिर नीट की तैयारी कोटा एलएन से किया। नीट की परीक्षा में उसने 720 में 720 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। कहकशा ने इस उपलब्धि पर अपने पिता, माँ और अपने भाई जफर और अजहर को इसका श्रेय दिया है। बहुत खुशी हो रही है, फैमिली वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। यही होता है रियल हैप्पीनेस जो मुझे आज पता चला। एक्सपेक्टेड था 720 में 720 आया, कैसा लगा देखकर? उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। थोड़ा मतलब ये रिजल्ट जो है अनबिलीवेबल है। मतलब पहले मेरा 715 था, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन का करेक्ट हुआ तो उसकी वजह से 720 हो गया। रिजल्ट देखकर भरोसा हुआ कि आपका ही रिजल्ट ठीक है? पहले तो थोड़ा ये हुआ, फिर उसके बाद मैंने जब रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और था बिलीव था खुद पर, सेल्फ बिलीव। कैसी तैयारी आपने की और कहाँ से तैयारी करते थे? मैंने कोटा एलन में 1 साल का मतलब तैयारी किया और वहाँ मतलब बस कंसिस्टेंट रहना किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर जब हम कर रहे हैं तो। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, किसको क्रेडिट देना चाहोगे? क्रेडिट मैं अपने फैमिली वालों को देना चाहूँगी, अपने भाई अजहर इमाम को देना चाहूँगी, अपने बड़े भाई जफर इमाम और बहन नेहा परवीन को देना चाहूँगी। बस एक अच्छा डॉक्टर बनना और हेल्प करना पुअर पीपल्स का। कितना अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या था रिजल्ट? पहले अटेम्प्ट में 600 आए थे मेरे। एक फल व्यापारी है आपके पापा, कितना बड़ा योगदान रहा उनको बचपन से पढ़ाने के बाद, अब तक क्या कहोगे इस पर? बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जो भी हूँ मैं पापा और मम्मी की वजह से ही हूँ। पापा का सपोर्ट बहुत था। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मैंने 10th तक तो गोविंद विद्यालय से किया और फिर 12th जो है वो डीएवी बिष्टुपुर से किया।
जमशेदपुर में गुरुवार को वट सावित्री की पूजा कर सुहागिनों ने अखंड सौभाग्य की कामना की। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुट गई थी। कई जगहों पर पुजारियों ने सुहागिनों को सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनाई। सुहागिन महिलाएं सुबह में स्नान करने के बाद वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई और विधि विधान से पूजा कर कच्चे धागे को पेड़ में बांधते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। इसके साथ ही परिवार की सुख शांति और समृद्धि की मन्नतें भी मांगी। दोपहर तक वट वृक्ष की पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ लगी रही। वहीं कई स्थानों पर मंदिरों में भी सुहागिनों ने पूजा की। सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा के दौरान वट वृक्ष की परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा, एक दूसरे को सिंदूर भी लगाया। वहीं पूजन के बाद आरती की तथा फलदान किए। वट वृक्ष का वर्णन धार्मिक शास्त्रों, वेदों और पुराणों में किया गया है। एक ओर जहां वट वृक्ष को भगवान शिव का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा और अमावस्या को विवाहित महिलाएं व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। पर्व हम लोग वट सावित्री के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वट वृक्ष के नीचे फेरी लगाकर अफ्र फल 16 सिंगार करके और फेरी वगैरह लगाकर वहीं पे पूजा किया जाता है और वहीं पे कथा भी सुना जाता है और फिर घर पे आके अपने पति को पूजा उसको पानी पिलाकर प्रसाद खिलाकर फिर उसको टीका तिलक लगाकर और फिर मिठाई उठाई खिलाकर पानी पिलाकर और प्रणाम करके और फिर व्रत को ये तोड़ दिया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वृक्ष का पर्व है ये, हम लोग मायके से सब सामान आता है सिंगार का, 16 सिंगार आता है, वही सब हम लोग करके इस व्रत को तोड़ते हैं। पति का पूजा वूजा करके यही वट सावित्री कहलाता है। जमशेदपुर के वैश्य एकता मंच संस्था ने अनूठा पहल किया है, जहां इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निचले तबके के बच्चों को टाटा जू का भ्रमण कराया गया। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी पहले जू नहीं देखा था। इन बच्चों के भीतर इस दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चों के मुताबिक इन्होंने इससे पूर्व केवल किताबों में ही जू के विषय में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार वे सभी जू में पहुंचकर बड़े जानवर देख रहे हैं। इससे इन्हें काफी खुशी मिल रही है। वहीं संस्था के सदस्यों ने कहा कि इन निचले तबके के बच्चों के लिए संस्था ने ये कदम उठाया है ताकि वे भी जू में पहुंचकर इसे खुद से अनुभव कर सके और जानवरों के विषय में जानकारी इकट्ठा कर सके। किताबों में पढ़ते थे, अब असलियत में देखने आए हैं जू। अंकल लोगों के द्वारा यहाँ देखने आए हैं अलग अलग जानवरों को हाथों से। अब तक किताबों में पढ़ते थे, अब असलियत में देखने आए हैं। ये वैश्विक समझ के द्वारा बच्चा को लेके आया गया है, जो ही बहुत ही स्लम एरिया से आते हैं, जिन्होंने आज तक कभी जू नहीं आया है और जिन्होंने आज तक कभी मतलब अपने घर से कदम नहीं रखे हैं बाहर घूमने के तौर पे, उन्हीं को हम लोग लाए हैं जू घुमाने के दौर। और हमारे संस्था के द्वारा 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो हमारा पहला प्रवास आज जू में कर रहे हैं और कल हमारा खेल कूद का प्रोग्राम है जुबली पार्क में सुबह में 6 बजे से और परसों हम लोग इसका समापन करेंगे। और जिसका भी डिसीजन ले लिया इस तरह के करने का कुछ ले लीजिए, हाँ इस तरह का करने ये जो छोटे परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने कोई आस नहीं होता है कि हम घूमने के लिए निकलेंगे, उनको हम लोग लेकर के आए घुमाने के लिए। लगभग 70-80 बच्चे हैं। मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर के तत्वावधान में 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का भव्य आयोजन दिनांक 8 और 9 जून 2024 को बौद्ध मंदिर मैदान साक्षी प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व जागरूकता को लेकर गुरुवार को रथ निकाली गई। रथ यात्रा समारोह के अतिथि पुलिस उपाधीक्षक अंजनी तिवारी और मनोज कुमार ठाकुर शामिल हुए। ये विद्यापति प्रचार रथ शहर के कोने कोने में जाकर सभी मैथिल भाषा भाषियों सहित आम जन को समारोह का आमंत्रण देगा। आयोजन संध्या 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि के 10 बजे तक चलेगा। समारोह में आनंद मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें मैथिली खान पान सहित विभिन्न तरह के अनेक स्टॉल रहेंगे। इस बार दोनों दिन आनंद मेला का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर के द्वारा विद्यापति स्मृति समारोह पर मनाया जा रहा है और
उसी के द्वारा आज प्रचार रथ यात्रा निकाला गया था ताकि लोगों के बीच में मिथिलांचल वासियों के बीच में यह प्रचार हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगामी 8 तारीख और 9 तारीख को शनिवार रविवार संध्या 5 बजे से यहाँ मिथिलावासी आए और अपने जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो हम लोगों का कार्यक्रम है, जैसे आनंद मेला है, महिलाओं के द्वारा आनंद मेला लगाया जा रहा है, भिन्न भिन्न माने बहुत सारे तरीके से जो हम लोगों की व्याख्यात व्यंजन है वो भी रखा गया है ताकि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। देश भर से गिने चुने जो हम लोगों के कलाकार है मिथिलावासी वो सब पहुंचने वाले हैं। आप लोगों के लिए, मिथिलावासियों के लिए सुनने के लिए यह भव्य आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, मैं यही आग्रह, यही अपील कर सकता हूं आप लोगों को।